The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hi. Hi everyone. Aaj baatcheet karenge phir se. Influenza. Influenza seasonal flu. Kya hota hai, kyun hota hai, kaise hota hai. Dekhiye. एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके नाक गला और लंग्स को इफेक्ट कर सकता है और कई बार ये आपको फ्लू के नाम से जाना जाता है लेकिन पेट का फ्लू अलग है. पेट का फ्लू स्टमक फ्लू कैन बी डायरिया एंड वॉमिटिंग. ज़्यादातर लोगों में इन्फ्लुएंजा खुद ठीक हो जाता है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ केसेस में इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेट करके डेडली हो सकता है, आईसीयू तक आप लोगों को पहुंचा सकता है और कुछ लोग इसके रिस्क में ज़्यादा होते हैं कि इनको ज़्यादा रिस्क हो जाए. कौन? 5 साल से छोटे बच्चे, ज़्यादातर 12 महीने से बच्चा, 1 साल से छोटा, 65 साल से ऊपर के लोग जो नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डॉक्टर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वुमेन हैं जो के प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कोई ऐसा पर्सन, क्रोनिक बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, लिवर डिजीज और एस्थमा, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, बीएमआई 40 के ऊपर है, इन लोगों में आपको इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा गहरे मात्रा में अफेक्ट कर सकता है और फ्लू बढ़ सकता है. सो वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हाँ, इन्फ्लुएंजा को 100% प्रिवेंट नहीं करेगा लेकिन दैट इज योर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट डेंजरस फ्लू वैक्सी वायरसेस. तो इसमें अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो आपको कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स आएंगे, रनिंग नोज होगा, स्नीजिंग ठीक आएगी, गला खराब होगा, खांसी आ सकती है, कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है 100.4 से डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस तक या बढ़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मली थोड़ा लो ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड नहीं होता. मसल्स में दर्द हो सकता है, चिल्स हो सकता है, स्वेट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, परसिस्टेंट ड्राई कफ हो सकता है, फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, नेजल कंजेशन और सोर थ्रोट तो हमने बता ही दिया. सो अगर आप खुद से नहीं ठीक कर पा रहे हो, दिक्कत बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रकार का सांस में दिक्कत हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे. देखिए, है ये एक वायरस, ये वैक्सीन, ये वायरस है. वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है. जैसे ही कोई जिसके अंदर खुद के वायरस है वो छींकता है, वो खांसता है या वो हाथ लगाते थे कहीं पे, तो वहाँ वो आ जाता है. तो अगर आपने भी वहीं हाथ लगाया, आपने भी छींका हुआ ले लिया, तो आपको भी अंदर ही चला जाता है. तो दैट इज़ हाउ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वर्क्स. और ड्रॉपलेट जब कोई छींकता है तो ऐसा फुवारा जैसा फैला देता है, उसको कई 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 मीटरों तक वो चला जाता है. तो कंप्यूटर कीबोर्ड, टेलीफोन और मोबाइल्स, ऐसी जगहों पे वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जो एक के दूसरे के हाथ में, फिर हाथ से मुंह में, इधर उधर चला जाता है. वायरस इज़ वेरी वेरी कंटेजियस, राइट? और इसके 200 से ज़्यादा प्रकार है वायरसेस के, और एवरी ईयर ये वायरस का स्ट्रेन बदलता रहता है. इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन, वायरसेस का स्ट्रेन जो है चेंज होता रहता है. इसीलिए हर साल नई वैक्सीन आनी ज़रूरी होती है, हर साल आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनानी ज़रूरी होती है, और इसीलिए फ्लू शॉट्स हर साल आते हैं. तो 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं, लेकिन 3-4 वायरसेस खतरनाक होते हैं. H1N1 स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इनके खिलाफ वैक्सीन है जो आपको लगानी चाहिए, फ्लू शॉट. और रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपके एज वाइज कई सारे फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंजा के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने में बढ़ा देंगे रिस्क. वो है एज, अगर 12 मंथ से कम है, 65 से ऊपर है, लिविंग कंडीशंस अगर आपके हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, आप कहीं छोटे मोटे कॉमन ग्रुप में रह रहे हो जहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम वीक है, कोई भी प्रकार का HIV एड्स हो, लंबी दवा लेते हैं, स्टीरोइड्स लेते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेते, ब्लड कैंसर, कोई भी तरीके का इम्यून सिस्टम वीक है, कोई भी क्रोनिक इलनेस है लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ लिवर किडनी ब्लड डिसऑर्डर, तो या कोई ब्लड थिनर ले रहे हो, प्रेग्नेंट हो, मोटे हो, तो इन चीज़ों में आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो इन्फ्लुएंजा से क्या होगा? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, ईयर इन्फेक्शन, ये सारे हो सकते हैं. निमोनिया से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. क्रोनिक इलनेसेस, निमोनिया कैन बी डेडली. तो प्रिवेंशन के लिए लाइक आई सेड, सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान देना आपके वैक्सीन पे. हैंड हाइजीन, हर साल फ्लू वैक्सीन आती है, वो
तीन से चार वायरसेस के खिलाफ बनाई जाती है और 6 महीने से ऊपर सबको लगानी चाहिए, राइट। और कुछ बच्चों को कभी कभी 2 बार भी लगानी पड़ती है 4 हफ्ते के गैप में, खासकर 8 साल से नीचे के बच्चों को। और ज़्यादातर केसेस में इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट वैक्सीन से अगर आप एग से एलर्जिक रखते हैं तो एग वाली साइड इफ़ेक्ट, थोड़े बहुत रैशेज आ सकते हैं एग से एलर्जी। तो अगर आपको पहले कभी फ्लू शॉट से एलर्जी हुई है सिर्फ तब आप नहीं लोगे, वरना आप लोगे। 6 महीने से ऊपर सबको लगानी है। याद रखिए, एक हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज़ होती है, हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। यानी लिटरली फ्लू ऐसे चलता है कि एक को हुआ घर में तो सबको होगा, राइट। एक को हुआ, बगल वाले को हुआ तो आपको होने के चांसेस, अगर आप बार बार उनसे मिलजुल रहे हो तो। इट्स वेरी कॉमन टू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो इररिस्पेक्टिवली आपके पास तो आएगा ही आएगा फ्लू वायरसेस, तो आपको तो बच नहीं सकते। तो यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम फ्लू, यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम दिस वैक्सीन, बट दिस वायरस, बट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद द वैक्सीन, राइट। और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपके घर में सब ने प्रोटेक्ट कर लिया, आपके ऑफिस में सब ने प्रोटेक्ट कर लिया, आपके इन्वायरमेंट में, घर, आपके कॉलोनी में सब ने प्रोटेक्ट कर लिया, तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर आपके छोटे बच्चे जो 6 महीने से छोटा है, जिसके अंदर अभी उतनी इम्यून सिस्टम नहीं है कि हम उसको वैक्सीन दें, तो उसके पास वो फ्लू वायरस पहुँचता ही नहीं है ट्रांसमिट होके। सो दैट इज़ वाई एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। हर इंसान का रोल है, फ़र्ज है फ्लू शॉट लगवाना, और गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव एंड डू दिस, बट अनफॉर्चुनेटली इतना होता नहीं। बट एटलीस्ट वॉट यू कैन डू इज़ कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको फ्लू है, कोल्ड है, किसी भी प्रकार का बुखार आ रहा है, छींक खांसी आ रही है, मेक श्योर टू यूज़ हैंकी, हैंकरचिफ, हैंकी पे खांसे छींकें और उसे फेंक दें, और या फिर अपने कोनी पे खांसे। कोनी इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हाथ नहीं लगाते, लेकिन हाथ पे हाथ लगाते रहते हैं, तो अगर करके फिर उधर उधर लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फैलना है। और यूज़ एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, समथिंग लाइक दिस। ऐसा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र अगर कभी कर भी लिया तो बीच बीच में एक दो ड्रॉप लेके बढ़िया से अपने हाथ को सब जगह से सैनिटाइज कर लो। और कफ एंड स्नीव है, उसको कंटेन करके रखना ज़रूरी है। क्राउड को अवॉइड करना है, जितने क्राउडेड एरिया में जाओगे, एक भी बंदा फ्लू वाला है उसने छींक दिया तो बौछार हो जाएगी एंड आपके अंदर वायरस चला जाएगा। सो क्राउडी एरिया अवॉइड करें जब भी हो सके। बच्चों को देखो, बच्चों के स्कूल में अगर कोई बच्चे को फ्लू है तो उसको हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिखानी। ज़्यादातर केसेस बच्चों के ही आते हैं, जो ज़्यादातर आते हैं स्कूल्स में, ऑफिसेज में, ऑडिटोरियम्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस में, मेट्रोज में, यहाँ पर। सो क्राउडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है बचानी, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो मास्क पहन लें, मास्क पहन सकते हैं, और ख़ुद का इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर बीमार हो गया फ्लू तो पहले 24 घंटे घर में रहना है, 24 घंटे इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे एट होम, एंड उसके बाद रेस्ट तो चाहिए, अ लॉट ऑफ पानी चाहिए, फ्लूइड चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और जब बात करेंगे हम डायग्नोसिस की, फ्लू के लिए कोई स्पेशल इसकी ज़रूरत नहीं आती है, सिंपल साइंस एंड सिम्टम्स से डायग्नोसिस हो जाता है। टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है, वायरस डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट हो सकते हैं, बाकी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन्फ्लुएंजा, तब फिर टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर करना ही है तो PCR टेस्ट होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिससे कि पता किया जा सकता है कौन सा स्ट्रेन, कौन सा वायरस है एग्जैक्टली जो आपके अंदर आया है। और ट्रीटमेंट, भाई साहब, बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत सारा पानी पीना है, बेड रेस्ट लेना, ये तो आप घर पे ही कर सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल बेसिस पे आपको मेडिकेशन दी जाती है, खासकर अगर स्वाइन फ्लू जैसी कोई डेंजरस बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। आपने टैमी फ्लू या ओसल टामीवीर का नाम तो सुना ही होगा, अभी स्वाइन फ्लू में काफ़ी चला था, वो दिया जाता है कई बार, या फिर जानामीवीर नाम है, रिलेंजा, रैपीवैब या जोफ्लूजा, तो ऐसे कई सारे नाम की दवाइयां हैं जो एंटी वायरल है, जो कि वायरस को रोक देती हैं मल्टीप्लाई होने से, बीमारी को ख़त्म करने में आपकी मदद करती हैं। सो कई सारी दवाइयां अवेलेबल है, एंटीवायरल मेडिकेशन, जिनके खुद के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं,
लेकिन इसीलिए पहले 2-3 दिन आपने घर पे रेस्ट करके देखना है बीमारी बढ़ रही है कि नहीं। लाइफस्टाइल चेंजेस आपके हाथ में है, ट्रीटमेंट हमारे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रेस्ट और पेन रिलीवर्स, पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन आप ले सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लू इन्फ्लुएंजा। आई होप यू गॉट द जिस्ट। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो।